Hello friend, welcome to our channel Engage Adda. So let's continue our lecture series of strength of material. So before this lecture we have covered total eight lecture. So इससे पहले जो अपन जो total eight lecture already record कर चुके हैं, ठीक है, तो आपने यदि नहीं देखा तो आप इस channel पे जाइए Engage Adda पे और वो पहले देख लीजिए. Okay, तो उसी का continuation में आज जो next lecture है. So this is the part 9 of strength of material. Okay, so without any further delay let's see the quote of the day. Never pray for lesser burden, pray for stronger back. और ये जो है सबसे most of them, जब भी हम जाते हैं मंदिर जाते हैं मस्जिद जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो हम भगवान से यही बोलते हैं जो भगवान प्रॉब्लम नहीं हो ज़्यादा, ठीक है. तो प्रॉब्लम तो आपको लाइफ लॉन्ग आएगा ही आएगा, ठीक है. तो प्रॉब्लम नहीं मांगोगे तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं है. आप अपना स्ट्रॉन्गर मांगो, दैट मीन्स उसको झेलने की क्षमता रखो, उसका झेलने की जो है उसको क्षमता मांगो भगवान से मांगते हो तो, या फिर अपना डेवलप करो, ठीक है. प्रॉब्लम हमेशा आएगा, बिना प्रॉब्लम का लाइफ ही नहीं है, ठीक है. तो बहुत ही शानदार कोट है, नेवर प्रे फॉर लेसर बर्डन, प्रे फॉर स्ट्रॉन्गर बैक. ओके, सो ऑलवेज प्रे फॉर स्ट्रॉन्गर बैक, नॉट फॉर अ लेसर बर्डन, ठीक है. तो हमेशा कोई भी आप एग्जाम दोगे तो उसमें तो आपको हार्डवर्क करना ही करना है. तो आपको यदि चाहिए तो आपको क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, आपको स्ट्रॉन्गर विल पावर चाहिए, ठीक है, तभी आप जाके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. ओके ओके, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो अपन जो लास्ट क्लास में जो है स्टेप्ड बार का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये अभी अब हम देखेंगे, ठीक है. एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट नाउ ये एक आपको बार दिख रहा होगा जो कि दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है, ए एंड बी से दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है, ठीक है. और बीच में जो है एक लोड लग रहा है, एल बाय थ्री डिस्टेंस पे एक डब्ल्यू लग रहा है, फिर उसके बाद एल बाय थ्री पे डब्ल्यू लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रिएक्शन एट ए एंड बी. तो ये दोनों जो डब्ल्यू लग रहा है तो यहाँ पे दोनों जगह पे रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है. दैट दे आर आस्किंग, what they are asking the reaction at A and B, ठीक है. तो let us assume, और question में क्या दिया हुआ है, A जो है constant, area of cross section and Young's modulus of elasticity constant है पूरे body के लिए, पूरे entire body के लिए वो constant है, ठीक है, समझ पा रहे चीजों को. तो अपने को reaction निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे reaction क्या develop होगा. तो reaction अपने को पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, assume कर लेते हैं, let us assume that the here the reaction is RA, ठीक है, and यहाँ पे जो है RB, let us assume, ठीक है, reaction is RA and here is RB. Now, अब यहाँ पे एक डॉट आ रहा होगा यदि आपको, दैट मीन्स ये इसी डायरेक्शन में क्यों लिया, हम इस डायरेक्शन में भी ले सकते थे रिएक्शन के बारे में. आपको कैसे पता चला जी इस डायरेक्शन में होगा, तो आप कोई भी डायरेक्शन में ले लो, कोई भी डायरेक्शन में रिएक्शन लगाओ, या तो लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन या फिर राइट वार्ड डायरेक्शन, कुछ भी चलेगा, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन आप एज्यूम कर लो. ओके फाइन. नाउ एक चीज है, जब आप ये रिएक्शन लगाए तो यहाँ पे एक और चीज सिंपल वे में देख सकते हैं, नेट फोर्स जो है कोई भी बॉडी पे जीरो होगा, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इस जीरो. तो यहाँ पे आप देखें तो एक आर ए दिख रहा है मुझे, आर ए जो लगाया हूं मैंने इस डायरेक्शन में, ठीक है. उसके बाद फिर ये डब्ल्यू दिख रहा है, उल्टा डायरेक्शन है, डब्ल्यू लगा दिया, फिर ये डब्ल्यू दिख रहा है इसी के डायरेक्शन में, प्लस फिर ये आर बी दिख रहा है, उल्टा डायरेक्शन है. तो नेट शुड बी इक्वल टू जीरो. तो यहां से क्या पता चला हमें, ये डब्ल्यू डब्ल्यू तो कैंसिल आउट हो गया, तो आर ए इक्वल टू आर बी, तो ये अपने को पता चल रहा यहां से. ओके, तो लेट अस से आर इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर, लेट अस एज्यूम आर इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर. ओके, एज्यूम कर लिया अपन, क्योंकि दोनों बराबर है तो एक टर्म दे दिया मैंने, तो लेट अस से दिस इज आर, दिस इज आर. ओके, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस आर. अब इस आर का वैल्यू क्या होगा, तो अपने को करना क्या है, सो हियर आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू थ्री पार्ट, दिस इज वन, दिस इज पार्ट टू, दिस इज पार्ट थ्री. नाउ कट द एफबीडी, पार्ट वन का एफबीडी बना लेते हैं, पार्ट टू का एफबीडी बनाते हैं, पार्ट थ्री का एफबीडी बनाते हैं. तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर में भी अपन बताया था जो एफबीडी कैसे बनाना है, ठीक है. आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए पहले, ठीक है, ऊपर में आ रहा होगा नोटिफिकेशन, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं. तो पार्ट वन यदि लिया जाए, पार्ट वन का मैं कट करता हूँ, पार्ट वन, सो लेट अस से दिस इज अ पार्ट वन. तो अब इस पे क्या लग रहा है, एक आर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे देख सकते हैं, आर लग रहा है, ठीक है. तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जब यहाँ पे आर लग रहा है तो हम क्या करेंगे, अब इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाएंगे. ये तो अपने को दिख रहा है आर लग रहा है, ठीक है, इस फेस पे, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम में लाएंगे, दैट मीन्स इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे जब आर लग रहा है तो मैंने यहाँ पे भी आर लगा दिया. ओके, दिस इज द एफबीडी ऑफ पार्ट वन. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू पार्ट टू, एक बार ये आर लगा दिया तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, नेट फोर्स अभी जीरो है. ओके, नाउ कमिंग टू पार्ट टू,
पार्ट टू पे जब अपन पहुंचते हैं, लेट्स सी द पार्ट टू। नाउ इस पे पार्ट टू, ठीक है। नाउ ये जो फेस था, ये फेस, इसका ये फेस और इसका ये फेस, ये दोनों ज्वाइन था, ये दोनों क्या था, यहाँ पे ज्वाइन था। और ये दोनों को अभी जब ज्वाइन कर रहे तो क्या आ रहा है अपने को, आर आ रहा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है, आर। बट यहाँ पे ये ज्वाइन था तो कितना लग रहा था, डब्ल्यू, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट दिस मेक दिस आर इक्वल टू जीरो। अभी जब ज्वाइन कर रहे तो कितना आ रहा है, आर। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में आर लगा दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, अभी जब ज्वाइन करेंगे तो क्या हो गया, जीरो हो गया। बट हमें चाहिए कितना, डब्ल्यू इस डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में डब्ल्यू लगा दिया। अब जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, आर आर कैंसिल हो गया, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब नेट कितना लगाया, नेट लगाया कितना, यहां से देखो तो आप, ठीक है, समझ पा रहे चीजों को। तो मतलब नेट में डायग्राम इसका बना हुआ यहां पे नीचे, सेकेंड। तो मैं आर तो लग रहा था और एक डब्ल्यू लगाया उल्टा, तो आर माइनस डब्ल्यू, ओके। तो फिर अभी इसको बैलेंस किया, समेशन ऑफ एफेक्ट इक्वल टू जीरो, तो यहां पे कितना आया, आर माइनस डब्ल्यू, ओके। नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट, पार्ट थ्री। पार्ट थ्री, यू कैन सी दिस फेस एंड दिस फेस, ये दोनों फेस ज्वाइंट था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों फेस ज्वाइंट था, ओके, देख सकते हैं आप। और इस फेस पे कितना लग रहा है, डब्ल्यू इस डायरेक्शन में। तो अभी जब अपन ज्वाइन कर रहे हैं, इन दोनों को कितना आ रहा है अपने को, आर माइनस डब्ल्यू आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। आर माइनस डब्ल्यू आ रहा है अपने को इस डायरेक्शन में, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, लेटस एज्यूम यहाँ पे मैंने अपने को W चाहिए, दोनों को ज्वाइन करने के बाद W चाहिए। तो लेट अस सी, यहाँ पे मैंने F लगा दिया, ठीक है, F लगा दिया, एज्यूम किया। अब जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो देखते हैं, दोनों को ज्वाइन करने के बाद क्या होना चाहिए, R माइनस W, ये तो इधर था और इधर F था, माइनस F, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, ये इस डायरेक्शन में F है, तो F माइनस R माइनस डब्ल्यू, ठीक है। एफ इस डायरेक्शन में ले लिया मैंने, तो उसमें से इसको माइनस किया, तो ये माइनस होने के बाद कितना होना चाहिए, तो डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए। तो मैंने एफ को पहले लिखा हूं, तो इसी डायरेक्शन में, तो डब्ल्यू के ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से एफ का वैल्यू पता चलेगा कितना आएगा, तो एफ का वैल्यू आप देखें तो ये क्या आ जाए, डब्ल्यू प्लस आर माइनस डब्ल्यू, तो कितना आ रहा है, आर। सो एफ इक्वल टू नथिंग बट R, ओके। और वैसे भी डायरेक्टली भी देख सकते हैं, यहाँ से R माइनस W था, यहाँ से कितना लगा है, जिससे कि इस डायरेक्शन में W हो जाए, तो आपको R ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। R R कैंसिल होगा, W इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ओके। या फिर ऐसे निकालो आप, F लगा दो, ठीक है। और अपने को जो है इस डायरेक्शन में चाहिए कितना था, W चाहिए था, तो ये F में से जब दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो F में से R माइनस W माइनस हुआ, तो F माइनस R माइनस W, और वो किसके बराबर होना चाहिए, W के, W के। तो F का वैल्यू कितना आ गया, R, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दिया, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा अपने को, R, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट इस क्लास में, ये लास्ट वीडियो लेक्चर में ये भी बताया था अपन, क्या बताया था, जो हमने ये एबीडी बनाई है, सही है या गलत है कैसे हम पता करेंगे, तो ये पता चलता है, जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये वैल्यू, वो यहाँ के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, तो ये दिख रहा है बराबर है, ठीक है। दैट मीन्स हम जो एबीडी बनाया ये सही है, ओके। ये जो एबीडी बनाया ये करेक्ट एबीडी है, फाइन। तो एक बार एबीडी बन गया, अब ये लेंथ है L/3, ये भी L/3, ये भी है L/3, ये भी है आपका L/3, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ तक जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें कितना इलोंगेशन होगा वो देखते हैं, डेल्टा L1 पहले पार्ट में कितना इलोंगेशन होगा, तो क्या होगा, R PL by AE, AE L/3 है, ये L/3 लेंथ है। इसमें कितना होगा डेल्टा 2 में, इसमें इलोंगेशन कितना होगा डेल्टा L2 सेकेंड में, तो R माइनस W, L का वैल्यू कितना है L/3 A। थर्ड में इलोंगेशन कितना होगा आपका, थर्ड में इलोंगेशन वही सेम, डेल्टा L3 इक्वल टू R L/3 A। सो दिस इज द टोटल इलोंगेशन, यहाँ पे इलोंगेशन कितना हुआ, यहाँ पे इलोंगेशन कितना हुआ, यहाँ पे इलोंगेशन कितना हुआ। तो टोटल इलोंगेशन जब निकाले, टोटल इलोंगेशन हम बात करें, टोटल इलोंगेशन, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे,
डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री, ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, लास्ट पार्ट में भी हमने देखा था। टोटल इलॉन्गेशन जब निकालना है इसका, तो हम क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया। तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो क्या था, आर एल बाई थ्री ए प्लस आर माइनस डब्ल्यू एल बाय थ्री ए प्लस आर एल बाय थ्री ए, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, ये बार क्या था, ये बार जो था ये दोनों साइड से फिक्स किया हुआ था, ठीक है, दोनों साइड से फिक्स किया हुआ था, तो इस पे जब लोड लगेगा तो इसमें इलोंगेशन कितना होगा या कंप्रेशन कितना होगा, तो जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों साइड से फिक्स है, दोनों साइड से फिक्स है, तो ये बार नहीं तो इलोंगेट होगा नहीं कंप्रेस होगा, तो टोटल इलोंगेशन का वैल्यू कितना होगा, टोटल इलोंगेशन का वैल्यू जीरो होगा। तो हमने इस इक्वेशन को करना क्या, इसे इक्वेट कर देना जीरो से, तो जीरो से जब इक्वेट करोगे तो क्या लिखेंगे हम, तो ये आर एल, ये थ्री ए तो सब में कॉमन है, तो हटा देते हैं इसको कॉमन लेके, तो बचा क्या, आर एल प्लस आर माइनस डब्ल्यू एल प्लस आर एल दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, थ्री आर इक्वल टू डब्ल्यू, आर इक्वल टू डब्ल्यू बाई थ्री, आर इक्वल टू डब्ल्यू बाई थ्री, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पे जो रिएक्शन का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू डब्ल्यू बाई थ्री, एंड यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आ गया, डब्ल्यू बाई थ्री। सो रिमेंबर दिस, ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया ये चीजें। कुछ भी डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, और फिर जो है डॉट को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट बार, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द कंपोजिट बार, कंपोजिट बार क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो कंपोजिट बार इज नथिंग बट अ बार मेड अप ऑफ टू मटेरियल, टू और मोर देन टू मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो बार दिखा रहा हूँ, एक ये जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए1 है, मटेरियल ई1 है, ठीक है, दूसरा ए2 है और ई2 है, ठीक है। दोनों बार को हमने क्या किया, दोनों बार को ज्वाइन कर दिया यहाँ से, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से ज्वाइंट है, दोनों यहाँ से ये है ज्वाइंट किया हुआ है, मतलब फिक्स किया हुआ है, ठीक है, दोनों दोनों बार यहाँ से ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। तो ये कंपोजिट बार की तरह बिहेव करेगा, मतलब एक साथ बिहेव करेगा, कंपोजिट मतलब एक जैसा बिहेव करेगा, ओके, मतलब दोनों को फिक्स कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया है, ग्लूइंग कर दिया है, ओके। तो अपन जब इसके ऊपर कोई लोड लगा दे, लेटेस्ट से जो यहाँ पे अपन पी लोड लगा दिया, पी लोड लगा दिया है, तो फिर अब इसमें कितना फोर्स डेवलप होगा और स्ट्रेस डेवलप होगा, और दूसरे में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, सपोज दिस इज बार वन, दिस इज बार टू, ओके, दिस इज बार टू, राइट, तो कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, तो उसके बारे में क्या हम क्या करेंगे। तो एक चीज तो है, जब ये कंपोजिट बार है तो टोटल जब लोड लगाएंगे तो दोनों एक साथ इलोंगेट होगा, क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है यहाँ से, ये जब फिक्स किया हुआ तो दोनों जो है एक साथ इलोंगेट होगा, दोनों को एक साथ इलोंगेट होना पड़ेगा, नहीं तो उसका जो बॉन्ड है ना, नहीं तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब कंपोजिट का पर्पस ही फेल हो जाएगा। तो ये दोनों एक साथ इलोंगेट करेगा, चीजें समझ पा रहे, ठीक है। तो दोनों जब एक साथ इलोंगेट करेगा तो इसका मतलब है इलोंगेशन जो है, इलोंगेशन इन वन विल बी इक्वल टू इलोंगेशन इन टू। तो यहाँ पे टेंसाइल लोड लग रहा है इसलिए मैं इलोंगेशन बोलता है, यदि कंप्रेसिव लगता तो अपन बोलते कंप्रेशन इन वन इक्वल टू कंप्रेशन इन टू, और या फिर बोलो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ वन विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ टू, चेंज इन लेंथ ऑफ टू, ठीक है। दोनों सेम अमाउंट में इलोंगेट होगा या कंप्रेस होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द, बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बिटवीन द बार्स, ठीक है, समझ पा रही थी जो, ओके, क्योंकि दोनों के बार के बीच में बॉन्डिंग है, ओके, तो दोनों जो इलोंगेट होगा तो एक साथ इलोंगेट होगा, या कंप्रेस होगा तो एक साथ कंप्रेस होगा, ओके, फाइन। चलिए अब जो है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये याद रखना, एक कॉन्सेप्ट हो गया इलोंगेशन सेम होगा। दूसरा, जो टोटल लोड पी लग रहा है, पी जो टोटल लोड लग रहा है, टोटल लोड कितना लग रहा है यहाँ पे, टोटल लोड लग रहा है आपका पी, ठीक है। तो सपोज आउट ऑफ पी, पी जो टोटल लोड लग रहा है उसमें से लेट अस अज्यूम दैट पी वन लोड जो है बार वन कैरी कर रहा है, एंड पी टू लोड बार टू कैरी कर रहा है। पी वन जो है बार वन कैरी कर रहा है, ओके, एंड पी टू बार टू कैरी कर रहा है, समझ पा रही चीजों को। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया, जो P1 प्लस P2 दोनों का समेशन जो है P के बराबर है, और P1 जो है बार वन लोड कैरी कर रहा है, और तब P1 अमाउंट बार वन कैरी कर रहा है, P2 अमाउंट बार टू कैरी कर रहा है, एज्यूम कर लिया हमने, ये हमने एज्यूम कर लिया,
ठीक है, बट अपने को एक चीज पता है, सपोज पी वन अमाउंट जो है बार वन जो कैरी करा बार वन, ठीक है, तो बार वन ले लिया बार वन, ओके लेट्स से दिस इज वन, तो ए वन ई वन, तो इसके ऊपर मैंने पी वन लगाया क्योंकि वी हैव एज्यूम दैट पी वन अमाउंट ऑफ लोड इज कैरीड बाय बार वन और इसका लेंथ है एल, दोनों का लेंथ सेम, तो इसमें इलोंगेशन कितना हुआ डेल्टा एल वन पी वन एल बाय ए वन ई वन, ठीक है। एंड बार टू ले लेते हैं, तो बार टू पे कितना एज्यूम किया हमने, बार टू जो है वो पी टू लोड कैरी कर रहा है, पी टू लोड कैरी कर रहा है पी टू, ओके, तो इसमें इलोंगेशन कितना हो गया, ये बार टू है तो इलोंगेशन हो गया पी टू, और ऐसे टू लिख लो अब पी एल बाय ए टू ए टू, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने को एक कॉन्सेप्ट पता है यहां से, कॉन्सेप्ट क्या था, ये चेंज इन लेंथ ऑफ बार वन इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ बार टू, तो ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम होगा, दैट मीन्स इफ डेल्टा एल वन इक्वल टू डेल्टा एल टू, तो हम बोल सकते हैं पी वन एल बाय ए वन ई वन दैट शुड बी इक्वल टू पी टू एल बाय ए टू ई टू, ओके, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल एल तो सेम है, कैंसल आउट हो गया, तो हमें पी वन एंड पी टू में रिलेशनशिप पता चल गया, तो यहां से आप देख सकते हैं पी वन इक्वल टू पी टू ए वन ई वन डिवाइडेड बाय ए टू ई टू, ठीक है, ये अपने को पता चला यहां से, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, फाइन, ओके। तो कभी क्वेश्चन में यदि अपने को पूछा P1 एंड P2 का रेशियो क्या, तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ P1 एंड P2, लोड कैरीड बाय द वन, व्हाट इज रेशियो ऑफ P1 बाय P2, ऐसा रेशियो पूछ दिया क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे P1 बाय P2 करने के लिए, तो रेशियो किसके बराबर है A1 E1 बाय A2 E2, दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, एक टाइप का ये हो गया क्वेश्चन। अब टोटल इलोंगेशन जब निकालना, इलोंगेशन एक्चुअल में हो कितना रहा टोटल इलोंगेशन, ठीक है, तो टोटल इलोंगेशन वन में जितना होगा टू में भी उतना ही होगा, ठीक है, मतलब ये जो डेल्टा एल बाई टू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा एल बाई टू यहाँ पे दोनों का समेशन नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे दोनों का समेशन नहीं करना है, ये समझ पा रही चीजों को, जितना ये इलोंगेट होगा उतना ही टोटल बार भी उतना ही इलोंगेट होगा, ओके, तो डेल्टा एल इक्वल टू कोई भी निकाल सकते हैं, डेल्टा एल वन पी वन एल बाय ए वन ई वन, ओके। अब अपने को पी वन का वैल्यू पता है, यू कैन सी हियर पी वन इक्वल टू पी टू ए वन ई वन बाई ए टू ई टू, तो मैंने पी वन का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, पी टू ए वन ई वन, ठीक है, पी टू ए वन ई वन एल बाय, चीजें समझ पा रहे चीजों को, ओके, पी टू ए वन ई वन एल बाय, यहां से देख लीजिए ए टू ई टू, ओके, Just wait. Okay, तो यहां से देखिए थोड़ा सा वो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ पे देखिए P1 by P2 equal to A1 E1 by A2 E2, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, A1 E1 by A2 E2, right? अब जो है अपने को एक कॉन्सेप्ट पता है, जो यहाँ से P1 plus P2 equal to P, ठीक है, तो टोटल तो वो P ही था, तो इन दोनों का समेशन करेंगे तो P के बराबर आना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पी वन प्लस पी टू दैट मस्ट बी इक्वल टू पी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, P2 का वैल्यू या P1 का वैल्यू निकाल के रिप्लेस कर दिया, जैसे P1 का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, P2 A1 E1 by A2 E2 लिख दिया मैंने, P2 A1 E1 divided by A2 E2 plus P2 that must be equal to P, ओके, तो यहाँ से आप जब P2 कॉमन ले लो तो कितना आएगा आपका, तो आएगा P, चीजें समझ पा रहे चीजों को, तो इसको रीअरेंज कर लेना है बस, तो करके मैं बता देता हूँ करके कितना आएगा, ओके, तो P मैंने कॉमन ले लिया, तो ऊपर में आया अपना A1 E1 प्लस A2 E2 डिवाइडेड बाय A2 E2 दैट इज इक्वल टू P, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, सो यहां से हम लिख सकते हैं P2 का वैल्यू क्या है, P2 इक्वल टू P इंटू A2 E2 डिवाइडेड बाय A1 E1 प्लस A2 E2, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, फाइन, तो हमने अपने को क्या हुआ, P2 का एक्स वैल्यू टोटल लोड के टर्म में मिल गया, ठीक है, टोटल लोड के टर्म में P2 का वैल्यू क्या है, तो सपोज क्वेश्चन में पूछ सकता है वैल्यू क्या है, P1 एंड P2 का वैल्यू क्या है, तो यहां से आप निकाल के बता सकते हैं P2 का वैल्यू निकल गया तो P1 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है,
तो एक तो क्वेश्चन का पार्ट ये हो गया, क्वेश्चन का पार्ट ये हो गया, P1 P2 का रेशियो पूछा, तो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा। सपोज आपको वैल्यू पूछा है P2 का और या फिर P1 का, तो P2 निकाल लो, उसके बाद P-P1=P-P2 कर दो, ठीक है। ये हो गया दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, ठीक है। एक तो यहाँ से अब दूसरा कोई पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया सेकेंड, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल इलोंगेशन। तो टोटल इलोंगेशन इज टोटल इलोंगेशन इक्वल टू आइदर, दोनों सेम ही है, ठीक है, डेल्टा L1 या डेल्टा L2 या डेल्टा L कुछ भी लिखे मैं, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं P2 L/A2E2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो P1 L/A1E1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो P2 का वैल्यू मैं जब यहाँ से रिप्लेस कर दिया, जब P2 का वैल्यू यहाँ से, जो हमने P2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P निकाले, वो जब यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो होगा क्या, क्या वैल्यू आ जाएगा, द वैल्यू यू विल गेट P L/A1E1 + A2E2। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो तीनों में से कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको अभी समझ आ गया कैसे निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट इज दिस, आइदर दे विल आस्क यू द रेशियो। सेकंड इज दिस, दे विल आस्क यू द वैल्यू और अमाउंट ऑफ लोड कैरीड बाय बार वन और बार टू, ठीक है, तो यहां से अपन निकल जाएगा। एंड थर्ड, इफ दे विल आस्क यू द टोटल इलोंगेशन यू कैन गेट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। ओके, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कंपोजिट बार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके फाइन, लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आपको कुछ भी डॉट हो यहाँ पे तो आप जो है कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, ओके, तो हम जो है उसको वहाँ पे आपको देख के आपका सॉल्यूशन जो है आपका डॉट क्लियर करने का ट्राई करेंगे, ओके, विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन बनाइए, आप लोग क्वेश्चन बनाइए, और इसके बाद जो है जैसे ही ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, गेट एंड ESC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है चैप्टर 1 से, वो सारे क्वेश्चन भी देख लेंगे, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट, ओके ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो हमने जो टैपर्ड बार सर्कुलर टैपर्ड बार के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में अपन जो है सर्कुलर टैपर्ड बार के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और इसका जो है हमने ये D1 डाया से D2 डाया जा रहा था, तो टोटल इलोंगेशन कितना हो रहा था, टोटल इलोंगेशन तो वो निकाला था हमने, तो आया था 4PL/πE D1 D2, ठीक है, ये आया था टोटल इलोंगेशन, ओके। तो उसी तरह से यहाँ पे टेपर्ड बार है बट सर्कुलर नहीं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है ये, ओके, रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार है और कॉन्स्टेंट थिकनेस, इसका जो थिकनेस है यहाँ पे टी देख सकते हैं, थिकनेस ये थिकनेस कॉन्स्टेंट है पूरा अलोंग द लेंथ, बट इसका विथ जो है, विथ ये जो आप बी दिख रहा है बी, ये चेंज होता जा रहा है, इसलिए ये टेपर्ड हो रहा है, ठीक है, ये चेंज होता जा रहा है, यहाँ से B2 से ये देख सकते हैं B1 टैपर्ड हो रहा है, बट थिकनेस कॉन्स्टेंट है, इलोंगेशन इन अ रेक्टेंगुलर टैपर्ड बार ऑफ कॉन्स्टेंट थिकनेस, ठीक है, हेडिंग है, हेडिंग का मतलब समझ पा रहे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें टोटल इलोंगेशन कितना होगा, इसके ऊपर एक लोड लग रहा है पी, आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक लोड लग रहा है पी, तो बिकॉज ऑफ दिस लोड पी और लेंथ एल है, तो टोटल इलोंगेशन कितना होगा, तो अपने को पता है जो टोटल इलोंगेशन जो होता है, टोटल इलोंगेशन वो जनरली हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, PL/A। अब यहाँ पे एरिया कॉन्स्टेंट नहीं है, अब एरिया जो यहाँ पे है ये वैरी है, तो हम ये डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, क्योंकि एरिया यहाँ का एरिया है B1 T1, यहाँ का एरिया है B2 T, तो एरिया चेंज होता जा रहा है, क्योंकि विथ इसका चेंज हो रहा है, विथ जो है वैरी हो रहा है अलोंग द लेंथ, ठीक है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख नहीं सकते, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, इसका फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, फिर डेरिवेशन बता दूंगा, ठीक है। तो इन दिस केस जो फॉर्मूला, इसी टाइप से कुछ फॉर्मूला बनना चाहिए, तो पी तो पी है ही, तो पी आएगा ही आएगा, एल की जगह एल है, एल आएगा, ठीक है। अब बचा एरिया, ये एरिया की जगह क्या, अब एरिया तो चेंज हो रहा है, एरिया जो चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एरिया से यहाँ पे क्या आइडिया मिल रहा है, एरिया से आइडिया मिल रहा है थिकनेस तो होगा ही होगा और कुछ विथ होगा, थिकनेस तो होगा ही होगा और विथ होगा, ठीक है, यही आइडिया लग रहा है। तो थिकनेस ले लिया और विथ की जगह इन दोनों का डिफरेंस करके लेना होता है, डेरिवेशन करने के बाद आता है वो, ठीक है, बताऊंगा अभी, आ रहा समझ। तो ये हो गया एरिया, बाकी बचा ई, तो ई तो आएगा ही आएगा, ओके, यहां तक समझ पा रही चीजों को। एक और टर्म आता है ln, नेचुरल लॉग आएगा एक, ठीक है, तो ln नेचुरल लॉग, ओके, अब नेचुरल लॉग यहां पे आएगा B2/D1, ठीक है, नेचुरल लॉग है, तो ऊपर में जो है हायर वाला होगा, यहां पे जो है हायर वाला होगा, लोअर वाला दे दोगे तो निगेटिव में वैल्यू आ जाएगा, और यहां पे जो है लोअर वाला होगा जिसका कम विथ होगा, ओके,
हायर बाय लोअर एलएन में। तो ये होता है टोटल इलोंगेशन इन दिस केस। फाइन, टोटल इलोंगेशन इन द रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार, तो ये आपको याद हो जाएगा पीएल ए से रिलेट करके याद रखते हो, पीएल पी तो यहाँ भी एल है तो वो तो कुछ चेंज नहीं हुआ, एक ही जगह हमें क्या लेना है, थिकनेस तो होगा ही होगा और ये इसका विथ भी या फिर हाइट भी बोल सकते आएगा, थिकनेस ले लिया वो तो कांस्टेंट है पूरे लेंथ में, और जो ये हाइट है हाइट की जगह क्या आएगा डिफरेंस बी टू माइनस बी वन, तो बी टू माइनस बी वन कर दिया मैंने, ठीक है। और ई तो मेटेरियल का प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट है, बाकी एक और टर्म आएगा एल एन नेचुरल लॉ एल एन, और इसमें जो आएगा बी टू बाई बी वन, पहले ऊपर में क्या होगा जो हायर वाला है वो, ठीक है, और नीचे क्या होगा जो लोअर वाला है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, अब मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ये डेरिवेशन कैसे आता है, डेरिवेशन इसका तो टैपर्ड का सर्कुलर टैपर्ड का अपन ने किया था लास्ट वीडियो में, उसी तरह से इसका भी डेरिवेशन आएगा, तो देखते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अपने को एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ जाता है, यहाँ पे भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेंगे, एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सपोज हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया यहाँ से x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया जिसका लेंथ जो है वो dx है, x डिस्टेंस पे डिफरेंशियल एलिमेंट लिया जिसका लेंथ dx है, ठीक है। तो अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट का विथ कितना होगा, यहाँ पे विथ मैं बोल देता हूँ लेटर से bx विथ है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे जो विथ में वेरिएशन नहीं हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं ये जो विथ है ये ऑलमोस्ट सेम ही है, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का विथ कांस्टेंट है, हम एज्यूम कर सकते हैं थिकनेस t है। ओके, तो डिफरेंशियल एलिमेंट का विथ कितना होगा, तो ये कैसे निकालेंगे bx का वैल्यू, तो अपन देख रहे जब हम l जा रहे हैं यहाँ से लेंथ कितना था l, जब हम l डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो विथ में कितना का चेंज आ रहा है, चेंज इन विथ, चेंज इन विथ वो आ रहा है बी टू माइनस बी वन का, यहाँ पे बी वन था यहाँ पे बी टू हो गया, तो चेंज कितना हुआ बी टू माइनस बी वन। तो उसी तरह से जब हम x डिस्टेंस जाएंगे तो कितना का चेंज आएगा, b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाय l into x, ठीक है, इतना का चेंज आएगा। फाइन, तो फिर ये विथ कितना होगा x का, तो b1 प्लस चेंज। ओके, समझ पा रही चीज, इसको हम ये लिख सकते हैं b1 प्लस kx, ठीक है। हमने k क्या है b2 माइनस b1 बाय l को k एज्यूम कर लिया, एज्यूमिंग b2 माइनस b1 बाय l इक्वल टू k कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आ गया आपका विथ यहाँ पे, तो डिफरेंशियल इलोंगेशन इन द डिफरेंशियल एलिमेंट कितना होगा, इन डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे निकालोगे, डिफरेंशियल एलिमेंट में चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है pl बाय a, तो p तो वही है p, l की जगह dx, pl बाय a की जगह bx इंटू t, ठीक है। इसको जब आप इंटीग्रेट कर दोगे जीरो से लेके एल तक, तो आपको टोटल इलोंगेशन मिल जाएगा बाहर में, टोटल इलोंगेशन का वैल्यू क्या आएगा, पी एल बाय टी बी टू माइनस बी वन ई एल एन बी टू बाई बी वन, ठीक है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो किसी को इसका अब यहां तक तो समझ आ ही गया, तो इंटीग्रेशन खुद से कर लेना, ठीक है। फिर भी यदि आपका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तो बताना कमेंट करके, तो मैं एक वीडियो में इंटीग्रेशन करके फिर मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, बट आई थिंक यू कैन नाउ सॉल्व। और अपने को मेन इंपॉर्टेंट है ये इलोंगेशन का जो वैल्यू है वो याद रखना क्वेश्चन के लिए। ओके, फाइन, चलिए, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार ऑफ कॉन्स्टेंट थिकनेस का फॉर्मूला, ठीक है, इलोंगेशन कितना होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बार कैरिंग वेयरिंग लोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या एक बार है, इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो एक पॉइंट पे नहीं लग रहा है, ये वेरी करता जा रहा है ऊपर, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मतलब एक तरह से ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं, आप यदि समझना है तो, मतलब एक बार ले लिया हमने और इस बार के ऊपर क्या किया, मैंने एक कवरिंग लगा दिया, कवर कर दिया इसको, ठीक है, इसके ऊपर जो एक ज्वाइन कर दिया, मतलब ग्लूइंग कर दिया एक मटेरियल से, ठीक है, मटेरियल ग्लू कर दिया, कवर मटेरियल, ठीक है। तो हुआ क्या, जब हम कवर मटेरियल लगा देंगे बार के ऊपर, तो कवर मटेरियल जब हमने बार के ऊपर लगा दिया तो हुआ क्या, इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग गया इस बार के ऊपर, जो कि नीचे की ओर इस पे लोड लगा रहा है, ठीक है, जैसे ही हमने कवर मटेरियल इसके ऊपर चिपकाया तो, फाइन, तो हुआ क्या, अब सपोज कर कीजिए वो जो फोर्स लगा रहा है वो पी और वो एक्स के साथ वेरी हो रहा है, तो फोर्स जो लगा रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स, इतना किलोन्यूटन या केजी पर मीटर, किलोन्यूटन या केजी पर मीटर, इतना, क्योंकि ये वेरी हो रहा है, तो लेंथ के साथ उसको हम फोर्स को दिखाना पड़ेगा यूडीएल के केस के लिए जैसा, ठीक है, किलोन्यूटन पर मीटर, मतलब कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन।
अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना। अब इस बार में सपोज ये जब कवरिंग लगा दिया हमने दोनों इसके चारों ओर से कवर जो है एक बार का एक कवरिंग लगा के चिपका दिया, तो इस कवर का जो वेट था, वेट ऑफ दिस कवर, वो इसके ऊपर लगना स्टार्ट हो गया इस बार के ऊपर। ओके फाइन। ओके तो ये सपोज इतना देखेंगे तो बार का कवर का कुछ वेट आएगा, जैसे जैसे हम ऊपर का क्रॉस सेक्शन लेता जाएंगे तो बार का वेट ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, ज्यादा होता जाएगा कवर का वेट, ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। ओके तो वही चीजें यहाँ पे देख रहे हैं। तो सपोज मैंने एक क्रॉस सेक्शन मार्क कर दिया, लेट अस मार्क ए सेक्शन हियर, एक सेक्शन ले लिया मैंने यहाँ पे, और इसके बाद एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया, लेट अस टेक डिफरेंशियल एलिमेंट एट ए डिस्टेंस नीचे से एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया जिसका थिकनेस कितना है, डीएक्स है। लेट अस सी जिसका थिकनेस कितना, डीएक्स है। तो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया हमने, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया डीएक्स का, इसके ऊपर लोड कितना लग रहा है, इस एलिमेंट के ऊपर लोड कितना लग रहा है। तो नीचे जो जितना कवर, सपोज ये वाला हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया, ये डिफरेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, ये डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया। अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे लोड कितना लग रहा है, तो नीचे जितना कवर है, नीचे जितना कवर है वो लोड लगा रहा होगा, ये जो कवर है नीचे, इससे नीचे जो भी कवर है, ठीक है, उतना लोड इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे लग रहा होगा। ठीक है, तो अब नीचे जितना कवर, नीचे जो इतना अमाउंट ऑफ लोडिंग है, ठीक है, वो इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे लग रहा होगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इसके ऊपर लोडिंग कितना लग रहा होगा, लोडिंग कितना लग रहा होगा, पी इंटू एक्स, हम बोल सकते हैं लोडिंग कितना लग रहा होगा, तो पी इंटू एक्स बोल सकते हैं, इतना लोडिंग लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स डिस्टेंस तक टोटल लोड कितना हुआ, तो पी इंटू एक्स। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम में करने के लिए मैंने इधर भी पी इंटू एक्स लगा दिया। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन इन डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट दैट मीन्स डेल्टा इंटू डी एक्स इक्वल टू लोड है अपना पी इंटू एक्स। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लोड एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, सो पी इंटू एक्स। ओके, सो दिस लोड लेंथ इज डी एक्स पी एल बाई एरिया इंटू ई, दिस इज द इलोंगेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट। ओके, सो फॉर द टोटल इलोंगेशन, फॉर टोटल इलोंगेशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अपन, दैट मीन्स यू विल गेट द टोटल इलोंगेशन। और इंटीग्रेट करके क्या करते हैं, पूरा लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो से लेके एल तक। ओके, सो इफ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू एल, यू विल गेट अ टोटल इलोंगेशन। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द बार कैरिंग द वेरिंग लोड, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। फाइन, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जल्दी से। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, अब खुद का वेट, हम इससे पहले जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें सेल्फ वेट कंसिडर ही नहीं किया, कोई भी बार जो है उसका खुद का वेट हम कंसिडर नहीं करते थे इससे पहले। हमेशा हमने बार को क्या एज्यूम किया था, वेटलेस एज्यूम किया था, उसका कोई वेट, खुद का वेट है ही नहीं, बट उसका खुद का भी वेट होगा। ठीक है, तो सपोज ये एक बार है, ये एक बार है, ठीक है, इसका इसमें इलोंगेशन होगा, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग नहीं लगा रहे, बट इसका खुद का तो वेट है इस बार का, जिस भी मटेरियल से बना होगा, ठीक है, तो इसका वेट तो होगा ही होगा। तो उस वेट के कारण वो वेट क्या है, डाउनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट वेट इसमें कितना इलोंगेशन होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये है, तो इसके खुद के वेट के कारण इसमें कितना इलोंगेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये एक बार है जिसका लेंथ एल है। ओके, तो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार हम लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है, अ बार हैविंग द कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है अलोंग द लेंथ। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। फाइन, समझ पा रही चीजों को, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा। ओके, ठीक है, तो इसलिए इसको प्रिज्मेटिक बार बोला जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, अब इस प्रिज्मेटिक बार में इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट के कारण कितना इलोंगेशन होगा वो अपने को निकालना है। तो ये जो बार है ये कुछ भी एक मटेरियल से मिलकर बना होगा, उस मटेरियल का डेंसिटी या फिर यूनिट वेट, सपोज गामा है, यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये है इसका यूनिट वेट गामा। ठीक है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, केजी पर मीटर क्यू या किलो न्यूटन पर मीटर क्यू यूनिट वेट होगा। ओके, और इसका ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि प्रिज्मेटिक बार है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, प्रिज्मेटिक बार है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट है, ओके, एल इज द लेंथ ऑफ द बार, फाइन, तो अब इसमें इलोंगेशन कितना होगा बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट, तो हम देखने के लिए हम करेंगे क्या, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा अगेन, तो सपोज मैंने यहां से y डिस्टेंस पे, नीचे से एक y डिस्टेंस पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया मैंने, जिसका लेंथ dx है, y डिस्टेंस पे डिफरेंशियल एलिमेंट लिया जिसका लेंथ dx है, ठीक है, तो अब जो ये डिफरेंशियल एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट जो dx का डिफरेंशियल एलिमेंट लिया हमने, ध्यान से इसको देखिएगा, dx का जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इसमें लोड किसके कारण लग रहा है, तो इस पे जो लोड लग रहा है वो नीचे में जितना भी मटेरियल है ना, जितना भी मटेरियल है वो इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे अटैच है, तो नीचे का जो मटेरियल है ये, ठीक है, नीचे में जितना भी मटेरियल है आप बोल सकते हैं ये जो भी मटेरियल है इसका वेट जो है डिफरेंशियल एलिमेंट पे लग रहा है, ठीक है, नीचे का मटेरियल का जो वेट है ये, इसका वेट इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे लग रहा है, तो वेट एक्टिंग ऑन द डिफरेंशियल एलिमेंट कितना हो गया, लोड एक्टिंग ऑन डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट पे कितना लोड लग रहा है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो ये नीचे जो बार है वन, तो वेट ऑफ द, दैट इज नथिंग बट वेट ऑफ पार्ट वन, दिस पार्ट वन, दिस पार्ट टू, तो पार्ट वन का जो वेट होगा उतना ही इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे नीचे की ओर लोड लगेगा, ठीक है, तो इसका वेट कैसे निकालेंगे, वेट अपने को पता है जो दैट इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ क्या है नीचे वाले पार्ट वन का वाई, ठीक है, तो कितना वेट हो गया, गामा इंटू ए इंटू वाई, दिस इज द वेट एक्टिंग ऑन दिस, ऑन दिस डिफरेंशियल एलिमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइन, अब अपने को पता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये नीचे की ओर है तो हमने कट करके डिफरेंशियल एलिमेंट को हटाया, तो ऊपर में भी ये सेम अमाउंट पे होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन में होगा, ठीक है, समझ पा रहे चीजों को, तो अब इलोंगेशन निकाल लेते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट में कितना होगा, इलोंगेशन और चेंज इन लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट इक्वल टू पीएल बाय ए, दिस इज द लोड, दिस इज द लोड यू कैन एज्यूम हियर, तो गामा ए वाई and length of the differential element is dy a into e, this is the elongation of the differential element, theek hai, elongation of differential element, okay, so if you want to get the total elongation of this bar, so what we have to do, we have to integrate this expression from 0 to l, so if you are going to integrate this expression 0 to l, so what you will get, elongation due to self weight, that is equal to gamma, देखो area जो है ऊपर नीचे cancel out हो जाएगा, ये area ऊपर एंड नीचे ये दोनों cancel out हो जाएगा, तो ये y का हो जाएगा y square by 2, ठीक है, तो elongation कितना आएगा, gamma l square by twice, this is the elongation due to self weight in a prismatic bar, elongation due to self weight in prismatic bar, ठीक है, समझ पा रही थी, जो को ये formula याद रख लेना, हमेशा काम आएगा, ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन ए प्रिज्मेटिक बार कितना आएगा, गामा एल स्क्वायर बाय ट्वाइस, कोई डाउट नहीं है, आप अच्छे से देख के इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, अपना नोटबुक बनाइए और अच्छे से लिखिए, ओके, तो आगे देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, फाइन, तो अपना इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट का ये आया गामा एल स्क्वायर बाय ट्वाइस, और यहाँ पे आप एक एक टर्म देखते चलेंगे, जो गामा है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पे स्टील है तो स्टील के लिए यूनिट वेट फिक्स होता है, ठीक है, और कॉपर है तो कॉपर के लिए फिक्स होगा, माइल्ड स्टील होगा तो उसका फिक्स होगा, टिम्बर होगा तो उसका, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, एल जो है लेंथ है, ई जो है मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये कांस्टेंट होगा, मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी एंड सेम इज दिस, ठीक है, मटेरियल सेम है तो ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ओके, और एल जो है लेंथ है, तो अब यहाँ से इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट समझ आ रहे हो, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली एल स्क्वायर के ऊपर, दैट मीन डेल्टा इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन ए प्रिज्मेटिक बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है, हम यहाँ से एक और सेंटेंस बोल सकते हैं, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज
इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि उस फॉर्मूले में कहीं भी एरिया नहीं आ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, मतलब ये है, जो सपोज एक बार ले लिया, सपोज ये स्टील का बना हुआ है जिसका एरिया जो है ए है, लेंथ एल है, दूसरा सेम मटेरियल से, ये भी स्टील से है, दूसरा बार लिया, ये भी स्टील से बना हुआ है, लेंथ वही एल है, एरिया जो है 5a है, ठीक है। तो अब इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट डेल्टा, सेल्फ वेट 1, सपोज दिस इज 2, तो डेल्टा 1 सेल्फ वेट दैट विल बी इक्वल टू 2 का सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन, बिकॉज एरिया पे वो डिपेंड नहीं करता, एरिया से इंडिपेंडेंट है, तो एरिया कुछ भी हो जाए उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, समझ पा रहे चीजों को? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ए डायमेंशन का है, उसका डायमेंशन जो 5 टाइम्स हो गया तो उसका इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट कितना होगा, तो सेम रहेगा, ठीक है, चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। नाउ सपोज अनदर क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, एक का लेंथ एल है, एरिया ए है, दूसरे का लेंथ 2l है, एरिया 2a है, ठीक है, तो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट कितना होगा, तो ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ठीक है। तो सपोज इलोंगेशन ड्यू टू फर्स्ट इतना है सेल्फ वेट, ठीक है, दैट इज डेल्टा। अब इलोंगेशन ड्यू टू इसका क्या हो जाएगा, अब अपने को पता है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, यहां से देख सकते हैं एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो 1 का लिख दिया, उसी तरह से 2 का लिख देता हूं मैं, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का वैल्यू है 2, दैट मींस 4 ऑफ एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे इलोंगेशन सपोज ये है अपना डेल्टा 1 और ये हो गया डेल्टा 2, ठीक है। तो डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 का वैल्यू क्या होगा, या डेल्टा 2 बाय डेल्टा 1 का वैल्यू क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं 4 होगा, 4 टाइम ज्यादा इलोंगेशन होगा, क्योंकि एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, इसका तो कोई यूज ही नहीं होगा, ओनली लेंथ का यूज होगा, तो और स्क्वायर के टर्म में वैल्यू हो रहा है इसका, सपोज डेल्टा इलोंगेशन होगा इसका फिर 2 एल का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स ज्यादा इलोंगेशन होगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स ज्यादा इलोंगेशन होगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है अपने से एग्जाम में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में एक और चीजें। ओके, यहाँ पे एक और चीजें देख लेते हैं, जो सपोज ये बार जो था प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक बार का टोटल वेट कितना है, टोटल वेट ऑफ दिस बार, टोटल वेट ऑफ प्रिज्मेटिक बार, इसका यहाँ पे टोटल वेट कितना है प्रिज्मेटिक बार, तो टोटल वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेट डेंसिटी जो भी है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस बार, दिस बार का वॉल्यूम कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ठीक है, दिस इज द टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ द बार। ओके, तो यहाँ से आप यदि देखें तो गामा इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए एल बोल सकते हैं, मतलब टोटल वेट डिवाइडेड बाय ए इंटू एल, ठीक है। अब इसको जब हम अपना जो फॉर्मूला निकला है गामा एल स्क्वायर बाय ट्वाइस, यहाँ पे गामा की जगह यूनिट वेट की जगह टोटल वेट पुट किया जाए, इंस्टीड ऑफ यूनिट वेट इफ यू आर गोइंग टू पुट द टोटल वेट, ठीक है, तो क्या आएगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू एल, एल स्क्वायर बाय ट्वाइस ई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, डब्ल्यू एल बाय ट्वाइस ए। सो दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट, डब्ल्यू एल बाय ट्वाइस ए, ठीक है, या डब्ल्यू इक्वल टू टोटल वेट, टोटल वेट, और दैट इज अ फंक्शन ऑफ, दैट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करा, वॉल्यूम चेंज होगा तो टोटल वेट चेंज होगा, टोटल वेट जो है चेंज होगा वॉल्यूम चेंज होगा तो, बट जो गामा था यहाँ पे टोटल वेट, जो यूनिट वेट है ये कॉन्स्टेंट है, ये वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, बट वेट जो है ये वॉल्यूम का प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने वेट कैसे निकाला, यूनिट वेट को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, मतलब कोई भी बार जो है पहले ये था और इसका एरिया यदि ट्वाइस कर दिया जाए तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो टोटल वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, फाइन, समझ पा रहे चीजों को, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट नॉन प्रिज्मेटिक बार, द केस ऑफ द नॉन प्रिज्मेटिक बार। तो नॉन प्रिज्मेटिक बार के लिए जब देखेंगे दैट मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो नॉन प्रिज्मेटिक बार में हम एग्जांपल ले रहे कोनिकल बार का, कोनिकल बार, कोनिकल बार मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस टाइप का कोन है, ठीक है, इसका जो डाया है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो से चेंज होता जा रहा है, बी है यहाँ पे डाया, डायमीटर जो है टॉप का डायमीटर कितना है बी, और नीचे का डायमीटर ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। तो ये कोनिकल बार है, नॉन प्रिज्मेटिक है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता जा रहा है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता जा रहा है, और टॉप का जो है विथ और डाया बोल सकते हैं, डाया है वो बी है, लेंथ कितना है एल, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट कितना आता है इसका,
सेल्फ वेट इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इक्वल टू, ठीक है, तो वो आता है जो भी पहले आपने प्रिज्मेटिक बार में निकाला था गामा एल स्क्वायर बाय टू आई सी, उसका 1/3 कर दीजिए, 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ प्रिज्मेटिक बार का जो निकाला था हमने गामा एल स्क्वायर बाय टू आई सी, ठीक है, तो ये आता है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन ए कोनिकल बार, ठीक है, तो ये इसको याद रख लीजिए। इसका डेरिवेशन जो है आपको चाहिए तो मैं थोड़ा सा आइडिया अभी यहीं पे दे देता हूँ क्या करना है। इसको ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वाई डिस्टेंस पे सिमिलर टू एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा, डिफरेंशियल एलिमेंट, एक वाई डिस्टेंस पे डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसका लेंथ जो है dy है, ठीक है। अब जो ये dy डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया, dy डिफरेंशियल एलिमेंट, dy डिफरेंशियल एलिमेंट, इस पे जो वेट लगेगा नीचे की ओर वो किसका वेट लगेगा, ये पार्ट वन का वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो वेट ऑफ पार्ट वन, ठीक है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू डेंसिटी, मटेरियल का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन, ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यहाँ पे कोनिकल है तो कोन का जो वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एल यहाँ पे है वाई, और इसका रेडियस, अब यहाँ पे अपने को रेडियस चाहिए, यहाँ का रेडियस चाहिए हमने अपने को, और यहाँ का डायमीटर अपने को बी पता है, तो हम रेडियस निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड लगा के, वाई डिस्टेंस पे कितना रेडियस होगा निकालिए और यहाँ पे पुट कीजिए, तो आपको ये लोड का वैल्यू पता चलेगा, यहाँ पे वो लोड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और एक्सप्रेशन लिख लीजिए, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए पी इंटू डी वाई बाई ए, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए जीरो से लेकर एल तक, आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा 1/3 ऑफ गामा एल स्क्वायर बाय टू आई सी, ओके। तो आपको यदि ये चाहिए डेरिवेशन तो आप कमेंट में लिखिएगा, इसका डेरिवेशन चाहिए कोनिकल बार का, तो मैं जो है इसका डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन में इसका करवा दूंगा, ओके, बट आप ट्राई कीजिए, पहले नहीं होगा तो हम करवा देंगे, ओके। तो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इक्वल टू इन केस ऑफ नॉन प्रिज्मेटिक कोनिकल बार इक्वल टू 1/3 ऑफ द प्रिज्मेटिक बार गामा एल स्क्वायर बाय टू आई सी 1/3, ओके, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, लेट अस सी द बार एंड स्प्रिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है ट्राई करूंगा आपका कवर हो जाए, एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक बार है और ये जो है इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये रिजिड बार है, रिजिड बार। अब रिजिड क्या होता है, रिजिड बार इसका जो मैं फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बट अभी फिर से बता दूंगा रिजिड बार क्या होता है। रिजिड बार इसका मतलब है कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा उसमें, नो डिफॉर्मेशन, कितना भी लोड लगा दे उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, दैट मींस उसमें कोई बेंडिंग नहीं हो सकता, उसमें डिफॉर्म ही नहीं होगा, दैट मींस बेंडिंग भी नहीं होगा, ये स्ट्रेट है तो हमेशा सेम रहेगा, दैट मींस उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमेशा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी पे क्यों होगा, दैट मीन्स ये ऐसा बार है, इसका रेडियस कहाँ पे बोलोगे, तो ये इन्फिनिटी पे ही बोलोगे हमेशा, इन्फिनिटी पे रेडियस है, जब ये बेंड होगा तभी तो कहीं पे रेडियस बनेगा, ठीक है, बट जब हमेशा स्ट्रेट रहेगा तो ये जो है हमेशा इन्फिनिटी पे रहेगा रेडियस, तो रेडियस ऑफ द बार विल बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट, ओके, समझ पा रही चीजों को, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी बेंडिंग नहीं होगा, उसका लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा का जैसा बार है वैसा ही बार रहेगा, कितना भी लोड आप लगा दो उस पे तो, ओके फाइन, तो ये है रिजिड बार का। अब इस बार के ऊपर रिजिड बार जो यहाँ से हिंज किया हुआ, यहाँ से क्या है, ये हिंज्ड है, दैट मीन्स यहाँ से ये ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, फाइन, यहाँ से ये ऊपर नीचे हो सकता है आराम से, हिंज किया हुआ यहाँ से, ओके फाइन, तो यहाँ पे एक लोड लग रहा है पी, कितना डिस्टेंस पे, सी डिस्टेंस पे, ठीक है, और यहाँ से ये एक स्प्रिंग लग रहा है ए डिस्टेंस पे जिसका स्टिफनेस के टू है, और बी डिस्टेंस, यहाँ से बी डिस्टेंस पे दूसरा स्प्रिंग लग रहा है जिसका स्टिफनेस के वन है, ओके, तो जब जैसे ही इस पे लोड लग रहा है तो ये बार क्या होगा, ये जो बार है वो नीचे की ओर आएगा, जैसे ही लोड लग रहा है तो होगा क्या, ये बार जो है ऐसे नीचे की ओर आएगा, ऐसे इंक्लाइंड होगा, समझ पा रही चीजों को, ये बार जो है आपका ऐसे नीचे की ओर आएगा मे बी, ओके फाइन, मैं दूसरा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, इसका ओरिजिनल ये यहां पे था, ठीक है, और कुछ अमाउंट जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, फाइन, ओके, चलिए यहीं पे डायग्राम बना के देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या था, ये जो बार पे पी लोड लग रहा था, तो बिकॉज ऑफ दिस पी लोड ये क्या हुआ, एक सर्टेन अमाउंट ये नीचे की ओर आया, और ये हमेशा स्ट्रेट रहेगा, ये बेंड नहीं होगा, क्योंकि ये रिजिड बार है, बिकॉज दिस इज अ रिजिड बार, ठीक है, रिजिड बार है, कोई बेंडिंग नहीं होगा इसमें, ओके, रिजिड बार है,
कोई बेंड नहीं होगा, तो ये ऐसे ऐसे पूरा का पूरा स्ट्रेट यहाँ से हिंज किया हुआ था, हिंज से रोटेट होकर नीचे आया, तो नीचे आएगा तो ये स्प्रिंग जिससे ज्वाइन था तो स्प्रिंग जो इलोंगेट हुआ होगा कुछ, ये सपोज डेल्टा वन इलोंगेट हुआ, ये सपोज डेल्टा टू इलोंगेट हुआ, तो इतना इलोंगेट हुआ, ये इतना इलोंगेट हुआ है, ठीक है, डेल्टा वन इलोंगेट हुआ, ये डेल्टा टू इलोंगेट हुआ। अब क्योंकि ये आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल के फॉर्म में बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ऐसे देख सकते हैं एक ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे एक थीटा हो गया, ये है डेल्टा वन, डेल्टा टू, और ये है सपोज, ये है सपोज डेल्टा वन, ठीक है, समझ पा रहे, ये ट्राइंगल बना, ये लीनियर है, ओके। और ये डिस्टेंस जो आपका कितना है, ये है आपका ए, और ये कितना है आपका बी, फाइन, ये है आपका ए और ये है आपका बी। तो डेल्टा वन एंड डेल्टा टू में क्या रिलेशनशिप होगा, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू में, तो हम जब टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा टू बाय ए, ओके, या फिर आप लिख सकते हैं डेल्टा वन बाय ए प्लस बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछेगा, सपोज आपको इलोंगेशन एट पॉइंट वन एंड पॉइंट टू, डेल्टा वन बाय डेल्टा टू पूछते, डेल्टा वन बाय डेल्टा टू क्वेश्चन में पूछते, तो क्या बोलोगे आप, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए, दिस इज द वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन करेंगे तो हम ये सब चीजें वहां पे यूज करेंगे, ओके। तो आपको एक तो पूछ सकता है जो पॉइंट टू एंड पॉइंट वन का इलोंगेशन का रेशियो कितना होगा, तो हम यहाँ से अपने को पता है रिजिड बाहर, तो लीनियर वे में ये डिफॉर्म हुआ, लीनियर वे में डिफॉर्म हुआ, तो ये थीटा सेम रहेगा, तो टेन थीटा किया, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस टेन थीटा, और ये भी टेन थीटा, इसके भी बराबर होगा डेल्टा वन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ओके, फाइन, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ये इलोंगेट हुआ, जब ये स्प्रिंग इलोंगेट हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए एक बार समझिए एक बार, ओके, मतलब जब स्प्रिंग डेल्टा वन इलोंगेट हुआ और ये डेल्टा टू इलोंगेट हुआ, तो हुआ क्या, जो स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा F2, यहाँ पे F1, हमें पता है स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू के टू इंटू डेल्टा टू, एफ वन इक्वल टू के वन इंटू डेल्टा वन, स्प्रिंग का इक्वेशन, जितना इलोंगेशन होगा उतना ये फोर्स लगाएगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, और यहाँ पे एक ऑलरेडी फोर्स लग रहा है P, फाइन, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ओके, नाउ, अब अपने को एक चीज पता है, डेल्टा वन बाय डेल्टा टू जो है A प्लस B बाय A है, ओके, तो अब F1 एंड F2 देखें, तो F1 जो है, F1 है अपना K1 इंटू डेल्टा वन, एंड F2 जो है अपना K2 इंटू डेल्टा टू, ठीक है, इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए, सो K1 डेल्टा वन बाई के टू डेल्टा टू दैट इज इक्वल टू एफ वन बाई एफ टू, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, सो डेल्टा वन बाई डेल्टा टू इक्वल टू, डेल्टा वन बाई डेल्टा टू इक्वल टू के टू एफ वन डिवाइडेड बाई के वन एफ टू, फाइन। तो अपन जब इस इक्वेशन को सपोज दिस ये था इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू, सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 ले लो आप, ठीक है, अब डेल्टा 1 में डेल्टा 2 का अपने को वैल्यू यहां से पता है a प्लस b बाय a, तो हम लिख देते हैं a प्लस b बाय a दैट इज इक्वल टू k2 इनटू f1 डिवाइडेड बाय k1 इनटू f2, ओके। तो क्वेश्चन में सपोज आपको रेशियो पूछा है f1 डिवाइडेड बाय f2, द वैल्यू विल बी क्या होगा, तो k1 a प्लस b डिवाइडेड बाय k2 इनटू f, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है आपको, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दे विल आस्क यू द व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द फोर्स जनरेटेड इन स्प्रिंग वन टू द स्प्रिंग टू, स्प्रिंग वन में जो फोर्स जनरेट हुआ, स्प्रिंग टू में जो फोर्स जनरेट हुआ, उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है, उसका रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहां से निकल जाएगा, ठीक है, एफ वन बाय एफ टू इक्वल टू के वन ए प्लस बी बाय के टू इंटू ए, क्या किया हमने, पहले डेल्टा वन में डेल्टा टू निकाल लिया, उसके बाद डेल्टा वन में डेल्टा टू इन टर्म्स ऑफ फोर्स के टर्म में यहां से निकल गया, हमने को रेशियो दोनों को इक्वेट कर दिया, फाइन, तो फोर्स का रेशियो निकल गया, दिस इज द फोर्स रेशियो, फोर्स रेशियो, तो ये भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं, फाइन, ये हो गया आपका जो है कितना इलोंगेशन रेशियो बोल सकते हैं आप, इलोंगेशन रेशियो और डिफ्लेक्शन रेशियो, तो आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके हिसाब से आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया रेशियो। अब सपोज क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा ये F1 एंड F2 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, तो वो कैसे निकालेंगे, तो थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी देखते हैं। सपोज आपसे क्वेश्चन में ये पूछते हैं जो F1 एंड F2 ये जो फोर्स आ रहा है उसका वैल्यू क्या, F1 का वैल्यू कितना होगा या F2 का वैल्यू कितना, रेशियो पूछेगा तो यहाँ से निकाल सकते हैं, रेशियो पता चल गया, बट F1 का वैल्यू नहीं पता है अभी, हमें रेशियो पता है F1 F2 का, तो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बार है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंज किया हुआ है, दिस इज द हिंज पॉइंट, तो
मोमेंट, नेट मोमेंट अबाउट द हिंज विल बी जीरो. नेट मोमेंट अबाउट हिंज, हिंज के अबाउट जो मोमेंट जीरो होता है, फाइन. तो हम क्या करेंगे, सारी फोर्स का मोमेंट हम इसके अबाउट निकालते जाएंगे. तो एक तो हम लिख देंगे एफ वन इंटू ए प्लस बी प्लस एफ टू इंटू ए माइनस पी इंटू सी, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिस इज द इक्वेशन, लेट अस से दिस इज इक्वेशन फोर, फाइन. तो यहाँ से एफ वन एंड एफ टू वेरिएबल है, ठीक है. तो F1, F2 वेरिएबल है, तो और P तो अपने को पता है कितना लोड लग रहा है. तो दो इक्वेशन, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो दो वेरिएबल है F1 एंड F2, दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा. ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पे हो गया, एक इक्वेशन F1 एंड F2 में, ये इक्वेशन है. तो दोनों इक्वेशन को यूज करके F1 एंड F2 का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि F1 एंड F2 ही तो अपने अपने पास अननोन है. ठीक है, तो यहाँ से हमें F1 एंड F2 का वैल्यू पता चल जाएगा. तो ये इतने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप वन क्वेश्चन. दिस इज द टाइप टू क्वेश्चन, टाइप टू क्वेश्चन. एंड दिस इज टाइप थ्री क्वेश्चन, दिस इज टाइप थ्री क्वेश्चन. तो जो भी आपसे पूछे उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टाइप थ्री क्वेश्चन, फाइन. चलिए ओके, तो आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं. लास्ट टॉपिक आज का, बार ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ. बार ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, और इसी को हम टाई बार भी बोलते हैं. ठीक है, टाई बार या बार ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ. पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या है और क्या क्यों जरूरत होता है इसका, फाइन. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. तो सपोज ये एक बार है, ठीक है. तो बार को हमने ऊपर से ऐसे हैंग कर दिया है. तो जब हैंग किया है, ठीक है, तो इसका एरिया कॉन्सेप्ट, यू कैन एज्यूम हियर एरिया इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, अभी एज्यूम कर सकते हैं एरिया जो है वो कॉन्स्टेंट है, इज कॉन्स्टेंट. ओके, एंड गामा इज द यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, ये है इसका गामा, यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल. ओके, तो हमने सपोज यहाँ पे दो सेक्शन मार्क किया हुआ है, एक सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22. सेक्शन 11 देख सकते हैं एंड सेक्शन 22, ठीक है. सपोज मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ से जब कट करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो लोड लगेगा, यहाँ पे जो लोड लग रहा होगा, यहाँ पे जो लोड लग रहा होगा वो किसका लोड लगेगा, नीचे वाले पोर्शन का जो लोड होगा वही लगेगा. नीचे वाले पोर्शन का जितना वेट होगा, W1 इक्वल टू वेट ऑफ दिस पोर्शन, W1 इक्वल टू वेट ऑफ दिस पोर्शन. ठीक है, इसका जितना वेट होगा उतना ही वेट यहाँ पे लग रहा होगा. समझ पा रही चीजों को, फाइन. उतना ही वेट लग रहा होगा. सपोज मैं वही चीज जब टू यहां से कट करता, ठीक है, टू से, तो इस पे वेट कितना लगता, अभी इसके नीचे जितना बार है उसका वेट लगता है यहाँ पे W2. ठीक है, वेट ऑफ द वेट जितना भी है इसका सेल्फ वेट. ओके, तो हम यहाँ पे स्ट्रेस कितना बोलते हैं, वन पे कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, वन पे स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, W1 by A एरिया क्रॉस सेक्शन, एंड टू पे कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, W2 by A एरिया क्रॉस सेक्शन. ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा चीजें. और एक चीज और अपने को समझ आ रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जा रहे हैं तो हमारा जो वेट है वो ज्यादा होता जा रहा है. तो W2 जो है, W2 है ग्रेटर देन W1, W1 से बड़ा है. ठीक है, W2 जो है W1 से बड़ा है, फाइन. समझ पा रहे चीजों को, W2 W1 से बड़ा होगा ऑब्वियसली. तो यहाँ पे तो इससे ये समझ पा रहे हैं हम, सिग्मा 2 जो है सिग्मा 1 से बड़ा होगा. सिग्मा 2 स्ट्रेस जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है सिग्मा 2, सिग्मा 2 जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है सिग्मा 1. ठीक है, तो यहाँ का स्ट्रेस जो है इससे, इसके स्ट्रेस से ज्यादा डेवलप हो रहा है. ओके, अब स्ट्रेस कुछ ऐसा किया जाए, समझना यहाँ पे कॉन्सेप्ट, समझो क्या है. टू मेक स्ट्रेस कॉन्स्टेंट, टू मेक दिस सिग्मा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिग्मा को कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करें, जो यहाँ पे जितना स्ट्रेस हो वहाँ यहाँ पे भी उतना ही डेवलप हो. तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 होने के लिए क्या करें, टू मेक द, टू मेक सिग्मा कांस्टेंट, दैट मींस सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू, दैट मींस व्हाट वी हैव टू डू, ये जो नीचे का एरिया है ना इसको भी बढ़ाते हुए जाना पड़ेगा. दैट मींस वी हैव टू इंक्रीज एरिया ऑल्सो. ये तभी हो सकता है जब हम एरिया, जैसे W से W1 इंक्रीज हुआ तो एरिया भी यहाँ से इंक्रीज हो जाए. समझ पा रही चीजों को, इफ द एरिया इंक्रीजेस, ठीक है, एरिया इंक्रीजेस तो स्ट्रेस जो है डिक्रीज होगा, फाइन. तो यहां से आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, कुछ भी डॉट हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ठीक है, तो ये एक चीज अपने को समझ आ रहा है, जो सिग्मा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू है और सिग्मा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है. ठीक है, इफ डब्ल्यू इंक्रीजेस एंड एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस इन द सेम रेशियो, तो हमें जो है सिग्मा जो है कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है, तो सपोज अपने को यहाँ का जो जितना स्ट्रेस है और यहाँ का जो स्ट्रेस है वो सेम रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया को बढ़ाते हुए जाना पड़ेगा. तो
एरिया को जब हम बढ़ाते हुए जाएंगे, दैट मीन्स सपोज ऐसा बार बना लिया जाए, सपोज एक ऐसा बार बना लिया जाए, ओके जस्ट वेट, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ का एरिया ए नोट था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वेट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वेट इंक्रीज हो रहा है तो एरिया भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो एरिया जब इंक्रीज होता जा रहा है तो ये जो है कॉन्स्टेंट स्ट्रेस देगा, स्ट्रेस का वैल्यू या फिर स्ट्रेंथ का वैल्यू जो है सेम स्ट्रेंथ होगा, समझ पा रही चीजों को, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्लियर है, कोई डॉट नहीं यहाँ तक। तो इनिशियल एरिया ए नोट है और एरिया को हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करें जिससे कि स्ट्रेस का वैल्यू जो है इससे बढ़े नहीं कभी भी, हमेशा सेम स्ट्रेस जनरेट हो बार में। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस का वैल्यू सेम जनरेट होगा, हर एक क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ पे देखे या फिर यहाँ पे देखे या फिर यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखे, ऑल सेम स्ट्रेस, सेम सिग्मा, ठीक है, कहीं पे भी आप क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो सेम सिग्मा मिलेगा, ओके। तो ये एरिया का जो वेरिएशन हो रहा है, एरिया का जो है वेरिएशन होता जा रहा है, एरिया का वेरिएशन हो रहा है यहाँ पे, इनिशियल एरिया कितना है ए नोट, ए नोट एरिया से वो इंक्रीज होता गया, ठीक है, और फाइनल इस कोई भी एरिया लेट से फाइनल एरिया है ए, ठीक है। तो ये वेरिएशन किस रेशियो में हो रहा है, तो सपोज यहाँ से हम कोई भी डिस्टेंस वाई डिस्टेंस ले ले, वाई डिस्टेंस, यहाँ का एरिया कितना है, यहाँ का एरिया सपोज अपने को फाइंड आउट करना है, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ का एरिया कितना है वो अपने को निकालना है, ठीक है, वाई डिस्टेंस पे, तो वो कितना होगा वैल्यू, तो मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। तो ये एरिया इक्वल टू ए नोट ई रेज टू दी पावर, ई रेज टू दी पावर यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल इनटू वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा नोट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल इनटू वाई डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, सिग्मा नोट इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, लेट अस से स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी था उसका, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो जैसे जैसे वाई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ये ए का वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, यू कैन रिमेंबर दिस, दिस इज द एक्सप्रेशन यू कैन रिमेंबर हियर, ओके फाइन। तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया ये चीजें, इसी में एक और चीज जल्दी से देख लेते हैं इन दिस सेम कॉन्सेप्ट, एक और देख लेते हैं, ओके लेट अस सी द सेम कॉन्सेप्ट बट डिफरेंट केस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये चिमनी का केस है, चिमनी आपने देखा होगा सबने, तो चिमनी ऐसे ही दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, नीचे का एरिया ज्यादा होगा और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे एरिया कम होगा, क्योंकि ये नीचे से सपोर्टेड है, यहाँ पे उल्टा था, ठीक है। मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मैं सपोज मैं यहाँ पे कट करूँ तो इस सेक्शन पे वेट किसका आएगा, ऊपर वाले का वेट आ रहा होगा, फिर यहाँ पे कट करूँ तो इसके ऊपर वेट किसका आ रहा होगा, और ऊपर वाले का वेट आ रहा होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे डब्ल्यू वन आ रहा है वेट, यहाँ पे डब्ल्यू टू आ रहा होगा वेट, ठीक है, और डब्ल्यू टू जो है ग्रेटर ही होगा क्योंकि इसके ऊपर पूरा वेट आ रहा होगा फिर, ठीक है, ऊपर वाले का, फिर इसके ऊपर वाले का वेट आ रहा होगा W1, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ टू जो है ग्रेटर देन देना पड़ेगा एरिया ऑफ वन, ठीक है। सपोज दिस इज वन, दिस इज टू, ठीक है, टू पे एरिया ग्रेटर देना पड़ेगा वन से, तभी तो हमारा स्ट्रेस जो है सेम रहेगा, देन ओनली द स्ट्रेस विल बी सेम, स्ट्रेंथ के बराबर रहेगा, सेम रहेगा, ओके, समझ पा रहे चीजों को, फाइन। अब अपने को एक रिलेशनशिप पता है, हमें इन लोअर वाले एरिया से हायर वाले एरिया की ओर रिलेशनशिप पता है, दैट मीन्स यहाँ से सपोज ये ए नोट है फाइनल, यहाँ से सपोज मैं एक डिस्टेंस बोल दूँ, यहाँ से मैं एच माइनस वाई लिख लेता हूँ इसको, तो एच माइनस वाई पे यहाँ का एरिया कितना होगा वो मैं बता रहा हूँ। तो हमें पता है इस रिलेशनशिप से दिस एरिया इक्वल टू ए नोट, देखो स्मॉलर वाला एरिया ए नोट, और ए नोट से ये कितना डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे ए नोट से ये कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है, एच माइनस वाई, तो हम यहाँ पे लिखा ई रेज टू द पावर यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल इनटू एच माइनस वाई डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ सिग्मा नोट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो सपोज हम एच माइनस वाई यहाँ पे पुट किए हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं ए इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर गामा एच बाय सिग्मा नोट इनटू ई रेज टू पावर माइनस गामा वाई बाय सिग्मा नोट, ठीक है, ऐसे करके दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब ये वाला जो वैल्यू है, दिस इज इस एक्सप्रेशन में, सपोज इस एक्सप्रेशन में जब हम यहाँ पे लिखें ए नोट ए इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर गामा इंटू एच बाय सिग्मा नोट, यहाँ पे गामा इंटू एच पूरा का पूरा एच ले ले तो अपने को क्या मिलेगा, ये ए एफ यहाँ का जो एरिया है, तो इसलिए मैं इसको ए एफ लिख लेता हूँ ए एफ, और यहाँ पे था ई रेज टू पावर गामा इंटू वाई बाय सिग्मा नोट, ठीक है, माइनस में यहाँ पे था। तो हमारा रिलेशनशिप क्या आया चिमनी के केस के लिए, क्या आया, एरिया इक्वल टू ए एफ ई रेज टू द पावर माइनस यूनिट वेट इनटू वाई
बाय सिग्मा नॉट। अब ये रिलेशनशिप क्या है, अब y क्या है, y जो है नीचे से डिस्टेंस था, ऊपर से h माइनस y था, तो नीचे से कितना होगा y, तो यहां से y डिस्टेंस पे एरिया कितना होगा वो निकलेगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये किस टर्म में लिखा हुआ, फाइनल के टर्म में लिखा हुआ है, बट ये सब एक्सप्रेशन किसके था, यहाँ पे छोटे वाले के टर्म में था, बट ये एक्सप्रेशन किसके टर्म में है, बड़े वाले के टर्म में, बड़े वाले एरिया के टर्म में है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बड़े वाले एरिया के टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि चिमनी जब बनाएंगे तो हमें नीचे से कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो नीचे सबसे पहले हम बड़ा एरिया बनाएंगे, उससे कोई भी डिस्टेंस जाएंगे तो वहां का एरिया कितना होगा हम इस फॉर्मूले से निकालते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है याद रखना, ये जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एरिया कम होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, ए इक्वल टू ए एफ, ठीक है। यहाँ पे वाई डिस्टेंस पे हमें देखना है, y डिस्टेंस पे यहाँ से नीचे से y डिस्टेंस पे एरिया कितना देना पड़ेगा, तो दैट इज ए एफ फाइनल एरिया, नीचे का एरिया e डिस्ट पावर माइनस माइनस यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल इनटू y, यहाँ से जो भी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट डिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ओके। तो ये हो गया आपका आज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा आपको तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो पूरा डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक कवर किया है, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट, ओके। तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, तो जितना आप शेयर करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा हम और अच्छे से डिटेल में वीडियो और आपके पास लेके आएंगे। इतना डिटेल में आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा जितना मैं डिटेल में आपको वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, पूरा एक एक चीज़ पूरा डिटेल में समझा के, ओके। ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपन ईएससी का, तब आप देखेंगे कितना डिटेल में हम लोग पढ़े हैं, ओके। चलिए ठीक है, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, देन तब तक के लिए आपको सी यू, बाय बाय, टेक केयर।